हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हालांकि मैं नॉर्मली इस तरह का वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साहू के बारे में। मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको बताने वाला हूँ और थोड़ी बहुत आपको मैं स्टोरी भी बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो वीडियो आप पूरा देख सकते हो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप वीडियो देख सॉरी मूवी देख चुके हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप मुझे जज कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है वो आपके ओपिनियन से अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं साहू मूवी की रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप प्रभास के फ़ैन हो तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो मूवी जो है 2 साल या 3 साल में एक ही आती है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्टिंग वाइज। श्रद्धा कपूर भी बहुत ही अच्छी थी। अब लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टोरी के बारे में। तो आपको पहले हाफ में जो है, यानी पहले इंटरवल में आपको जो है दिखाया जाएगा कि जो साहू है, यानी प्रभास का इस फिल्म में नाम जो है साहू है, और वो भी मूवी का नाम है। तो यहाँ पे आपको पहले इंटरवल के एंड तक आपको दिखाया जाएगा कि विलन जो है वो साहू है, यानी प्रभास है। लेकिन इंटरवल के बाद आपको पता चलेगा कि जो हीरो है वो जो है वो प्रवासी है। ठीक है, पहला हाफ और दूसरा हाफ में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। पहला हाफ में जो है आप कह सकते हो जो जो विलन है, विलन इस रोल में जो है, विलन के रोल में साउथ मूवी में है, उन सारे के लोगों का जो है पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत सारे जो है आप बहुत सारे जो विलन है उनका जो है अपना जो है रियल फेस रिवील हो जाएगा, कौन किसके साथ है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, साहू फिल्म के जो यहाँ पे आप इनको देखते हो फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि ये विलन है, लेकिन ये जो है साहू के साथ है और इन तक वो इनके साथ ही रहेंगे। और अब आपको मैं कुछ और चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पहले अगर आपने जो अगर अनिल नितेश मुकेश को अगर आपने फिल्म में देखा होगा तो आपने ये सोचा होगा कि ये जो है विलेन का रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो विलेन के रोल में नहीं है। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि वो विलेन है या फिर हैकर है या फिर चोर वही है, लेकिन वो नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है इस फिल्म में, जो कि साहू जो है वो उनके जगह पे जो है इनके मदद से जो है उनकी जगह यहाँ पे वो चले जाएंगे, उनके पुलिस की मदद से चोरी भी करेंगे, ऊपर से इनको जो है यहाँ पे जो है टैकल भी कर लेंगे। अब जो फिल्म के मेन विलन है वो है चंकी पांडे, यही जो है वो फिल्म के मेन विलन है साहू मूवी के। और जो सारा का सारा जो चोरी या फिर जितना कुछ होता है वो सब इनको जो है मारने के लिए होता है इस फिल्म में। एक्शन वाइज बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपको ओवरऑल मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी बता दी कि मेन विलन जो है चंकी पांडे है और अनिल नितेश मुकेश एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। वहीं पे आपको पहले से ही पता होगा श्रद्धा कपूर भी एक पुलिस ऑफिसर के रोल पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रभास के साथ धोखा किया है, और ना ही ऐसा है कि प्रभास के साथ बोल रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज कैरेक्टर है कि उनको उसे भी श्रद्धा कपूर को भी ठीक से पता नहीं है कि वो जो है प्रभास के साथ है या अपने जो है ऑफिसर के साथ है। तो ये कुछ मामला है यहाँ पे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ फिल्म में बहुत सारे रिवील ऑप्शन है, आप बहुत ही जगह में जो है शॉक हो जाओगे। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको जो है वीडियो जो है देखने में जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। तो पहली बात ये है कि साहू मूवी एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। लेकिन जो टिपिकल लोग हैं जो स्टोरी देखते हैं ज़्यादा कुछ साइंटिफिक या फिर आप कह सकते हो लॉजिक पसंद करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आपको मिसिंग मिलेगा, क्योंकि एक्शन मूवी पे अगर आप लॉजिक को ऐड करोगे तो वो बढ़िया मूवी नहीं होगी। लेकिन आप कह सकते हो ये मूवी जो है हॉलीवुड की किसी भी एक्शन मूवी के साथ जो है टक्कर दे सकती है। ऊपर से प्रभास का जो लुक है, वो जो एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक वीक पॉइंट वही है जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनकी जो ये हालांकि इनको प्रभास को जो है हिंदी पूरी तरीके से नहीं आती है, तो लैंग्वेज में इनको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये पूरी मूवी में दिख रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ मेन डायलॉग है लाइक जैसे गली क्रिकेट में सब लोग सचिन और तेंदुलकर होते हैं, वही बड़ा प्लेयर होता है जो जो भी करके डायलॉग है मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। ऊपर से एक भी है
वो जो भी डायलॉग इन्होंने डिलीवर किया वो परफेक्ट किया है, लेकिन अदरवाइज जो फिल्म के अंदर जो बातें कर रहे हैं वो आपको रेगुलर जो हिंदी होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अलग टाइप का जो है जो हिंदी लैंग्वेज होता है वो यहाँ पे प्रभास ने ऐड किया है, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग वाइज बहुत ही सुपर्ब है। VFX जो है बहुत ही बढ़िया है और टॉप क्लास की VFX है, और बहुत ही जो है मेहनत से एक एक सीन को फिल्म किया हुआ है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी फिल्म है मेरे हिसाब से, जो है लगभग अगर आप 10 आउट ऑफ में बिल्कुल 9 9 और 9.5 में इनको ज़रूर दूंगा। हालांकि एक्शन मूवी को अगर आप 9.5 देते हो तो बहुत ही बढ़िया मूवी होती है, और स्टोरी वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि आप जो है बोर हो रहे हो, या फिर आप टाइम पास कर रहे हो, या फिर आप हमेशा आप फिल्म के साथ जुड़े रहोगे। आगे क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, जो भी आप प्रिडिक्ट करोगे वो आप ज़रूर हमेशा जो है रॉन्ग जो है यहाँ पे साबित होगे। और स्टोरी में जो मेन जो है जो आप जो है नहीं समझ सकते, जो हालांकि मेन कैरेक्टर है जो सबसे पावरफुल है वो जो है साहू ही है, लेकिन वो आपको जो है बाद में पता चलेगा। और एक स्टोरी भी है, इमोशनल स्टोरी के साथ ये फिल्म किया गया है। तो ओवरऑल फिल्म जो है बहुत ही बढ़िया है। मेरा जो वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सभी का रोल, और जो भी मैंने यहाँ पे जो जिनका नाम नहीं लिया है आप समझ सकते हो। तो जैसे जैकी सौरभ है जो कि लगभग वो जो है साहू के पिता है, हालांकि वो पिता है लेकिन वो जो है वो आपको फिल्म के एंड में पता चलेगा। और जो साहू है एक रॉय करके एक ग्रुप है उसका, जो एंड में जो है जो मेन जो रहेगा वो साहू ही आएगा। तो ऐसा करके मूवी है, बहुत ही आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि पूरी मूवी में इतने जो है चेंजेस और इतने रिवील्स फिल्म में होंगे, तो आपको जाके देखना ज़रूर चाहिए एक बार। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो है देख के आके आपको ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अभी जो फील कर रहा हूँ देखने के बाद आप भी वही फील करोगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड लगा है, अगर आपने मूवी देखा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेगुलर फैंटेसी की जो टीम की जो है मैं यहाँ पे अपडेट करने की आपको कोशिश करूँगा, और कल या परसों एक बहुत ही अच्छी एक नई फैंटेसी आपकी मैं लॉन्च यहाँ पे लॉन्च नहीं आप कहूँगा प्रमोशन भी नहीं मैं आपको कहूँगा, पर आपको मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप बहुत अच्छा विन भी कर सकोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।